वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर। हम सो शौनको वाच फर्स्ट वर्स शौनको वाच निर्गते नारदे सूता भगवान बादरायणः श्रुत्वां स्तद अभिप्रेतम् ततः किम् अकरोद् विभू। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? सो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि नारद मुनि आए, उन्होंने व्यासदेव को थोड़ा सा डांटा भी और ये बताया कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, और श्रीमद् भागवतम की रचना करने को प्रेरित किया जिसमें वो गलतियां रिपीट ना हो और ऐसा पुराण हो जिसमें केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति की चर्चा हो। तो अब शौनक ऋषि पूछ रहे हैं नारद कि व्यासदेव ने क्या किया फिर उसके बाद। तो सूत उवाच, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे श्याम प्रास इति प्रोक्त ऋषि नाम सत्रवर्धन। तो सूत ने कहा कि वेदों में घनिष्ठ, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिम तट में। नाउ श्याम प्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। सो व्यासदेव उस स्थान पर गए जहां पर सरस्वती के तट पे, और वहां पे एक आश्रम का नाम था शाम्यप्रास। वहां पे क्यों गए? प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण नितांत आवश्यक होता है। सो एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है नहीं हर चीज के लिए। सो अगर आपको बहुत बड़ा स्कॉलर बनना है तो किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहां पे एक एटमॉस्फेयर होता है पढ़ाई का, सब पढ़ रहे होते हैं, सो मन करता है पढ़ने का। अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपको बिजनेस लोगों के साथ रहना पड़ेगा। सो ऐसे ही भक्ति में भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला था कि मैंने इस्कॉन क्यों बनाया है, मैंने इस्कॉन इसलिए बनाया कि इससे लोग इस्कॉन में आकर भक्तों का संग करें और एक अनुकूल वातावरण मिले कि लोग भक्ति कर पाए। सो सरस्वती के तट पर शाम में प्रास पर वो स्थान, एक तो सरस्वती होली रिवर है नहीं, इसे गंगा जी का तट, और ये और शाम्यप्रास आश्रम जो था बहुत शांत था। तो वेदव्यास वहां गए भागवत की रचना करने, वहां ध्यान लगाने भगवान पे। सो इस्कॉन में भी हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम लोग डिवोटीज के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि उनको भक्ति करने का मन करे, जैसे मैं कल बात कर रहा था, क्योंकि एनवायरमेंट इफेक्ट करता है माइंड को। तो आप देख लो आप जो भी इस्कॉन में जब वृंदावन जब आते हैं कई लोग बाहर से, तो क्या बोलते हैं, ऐसे इस्कॉन में जाते हैं इतना अच्छा लगता है नहीं, कीर्तन हो रहे होते हैं, और किसी मंदिर में कीर्तन नहीं हो रहा होता, खाली होता है, और भगवान कितने सुंदर है। सो इट हेल्प्स, वो अनुकूल होता है भक्ति के। सो व्यासदेव गए वहां, और व्यासदेव ने क्या किया वहां पर? तस्मिन स्व आश्रमे व्यासो बद्री शंड मंडिते, उस स्थान पर बेर के वृक्ष से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। व्यासदेव को नारद मुनि ने भागवतम के बारे में कुछ बताया था, कुछ श्लोक बताए जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुने थे, और ब्रह्मा जी ने कृष्ण से सुने थे, तो दूसरे स्कंद में आएंगे, आई थिंक दूसरे स्कंद के तो 9th चैप्टर में चतुश्लोकी भागवतम है, अहमेवा अश्वमेवा अग्रे, यहां से शुरू होती है।
और चार श्लोकों में ब्रह्मा जी ने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी, चार श्लोकों में सिर्फ, सृष्टि के आदि पे। और उन्हीं चार श्लोकों पे ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर मेडिटेट करके उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करके उन चार श्लोकों के कुछ और श्लोक बनाकर नारद मुनि को दिए, और नारद मुनि ने वो श्लोक फिर व्यासदेव को दिए, और अब व्यासदेव उन श्लोकों पे मनन करने बैठ रहे, ध्यान लगा रहे। सो ध्यान, योगियों का ध्यान और भक्तों का ध्यान बिल्कुल अलग होता है। योगी ध्यान लगाते हैं तो उनके ध्यान का मतलब है कि अपने मन में विचार को शून्य कर लो, उनका ऐसा ध्यान होता है। हमारा ध्यान होता है मननम, हम गुरु के और वैष्णवों के और शास्त्रों के आदेशों पर मनन करते अकेले बैठ के, और ये बहुत जरूरी भी है। कभी कभी वैसे इस्कॉन लाइफ में या भक्ति की लाइफ में हम सब कुछ करते रहते हैं, नहीं हसल बसल लाइफ है, हसल बसल लाइफ समझते हो आप लोग, मतलब बहुत व्यस्त लाइफ है, ये सर्व सेवा वो सेवा, फिर कीर्तन, फिर आरती, फिर प्रोग्राम, बहुत अच्छा है, बिजी रहना चाहिए माइंड, क्योंकि जैसे ही मन खाली होगा, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, मगर थोड़ा सा टाइम अकेले बैठ के अपने आप को भी देना चाहिए। अपने आप को देने का मतलब अपने बारे में सोचना नहीं, अकेले बैठ के थोड़ा सा टाइम शास्त्रों को देना चाहिए, मनन करना चाहिए, जैसे व्यासदेव कर रहे कि क्या लिखा है, और मनन क्या करना है उस पर। मनन करने का मतलब क्या है कि हमने जो सुना है उस पर क्या मनन करें, बैठ के स्पेकुलेट करते रहे, स्पेकुलेट समझते हैं आप लोग, तो मनन क्या कर रहे हैं, हाँ हमने लेक्चर में सुना है कि कृष्ण का नाम हरि है, तो एक कोने में खाली जगह लाइट बंद करके बैठे हैं, सोच रहे हैं हरि, हरि मतलब हरा, और कृष्ण नीले और राधा पीली हैं, तो उनको मिला के हरा बन जाता है, इसलिए उनको हरि कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं वृंदावन में। सो स्पेकुलेट नहीं करना, अपने माइंड से नहीं सोचना, मनन मतलब होता है श्रवणम मननम और निधिध्यासनम, तो सुना होता है उस पर मनन करते हैं। मनन क्या कर रहे हैं, मनन ये कर रहे हैं कि उसको जीवन में लगाएं कैसे, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, उस पर सोचना होता है नहीं, क्योंकि थ्योरी तो है। अब महाप्रभु ने आदेश तो दे दिया कि जा रहे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश, हमारा आगे गुरु है तारो उपदेश, और प्रभुपाद उस पर मनन कर रहे थे 30 साल, प्रभुपाद ने इस पर मनन किया 30 ईयर्स एक श्लोक पे, कि महाप्रभु का मिशन ब्रह्मांड भ्रमित है, ओ सॉरी वो क्या है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोरा नाम। सो प्रभुपाद ने इन श्लोकों पे 30 साल मनन किया, और प्रभुपाद 30 साल मनन करके फिर प्रभुपाद क्या सोच रहे थे उस पर, क्या मनन कर रहे थे, बस ये सोच रहे थे कि इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे संभव करूं, महाप्रभु का आदेश तो है। प्रभुपाद के गुरु भाई जब ये श्लोक पढ़ते थे, जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, या पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी के हर ग्राम में, हर सिटी में मेरा नाम लिया जाएगा। सो प्रभुपाद के, एक्चुअली प्रभुपाद के जब गुरु भाई पढ़ते थे श्लोक, प्रभुपाद से बात होती थी, तो कहते थे कि ये श्लोक तो काव्य अलंकारिक भाषा है नहीं, जैसे जैसे कभी कभी आप शास्त्रों में पढ़ते हो कि उन भक्तों के गुण तो इतने इतने ज्यादा है कि आप आसमान में तारे भी गिन सकते हो मगर उनके गुण गिन नहीं सकते, तो लोगों को लगता है अलंकारिक काव्य भाषा है, मगर प्रभुपाद को एग्जेजरेशन भी कह सकते हो, काव्य भाषा एग्जेजरेशन बड़ा चढ़ा के बोला गया। So, मगर प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सोचा, भगवान ने कहा है तो संभव होगा, मगर संभव कैसे होगा वो हमें सोचना है। सो हर डिवोटी को, हर डिसाइपल को, जो रियल डिसाइपल है, डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मतलब प्लानिंग, तो हर डिवोटी सोचेगा कि मैं अपने लाइफ को कैसे डिसिप्लिन करूं कि भगवान ने जो कहा उसको मैं संभव कर पाऊं, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे की जाए चीजें, क्योंकि अगर आप सुनते रहोगे मनन नहीं करोगे तो निधि ध्यासनम तक नहीं पहुंच पाओगे, निधि ध्यासनम मतलब एप्लीकेशन। सो ठीक है, प्रभुपाद ने कहा शुद्ध होना है तो आपको बैठ के पढ़ना, सोचना पड़ेगा कि मैं शुद्ध कैसे हूं, क्या करूं, क्या कमी है मुझ में, अब वो कमियां शास्त्र बताएंगे, आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा यस ये कमी है, ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, फिर इसको हटाना कैसे वो भी सॉल्यूशन शास्त्रों से पता लगेगा। सो व्यासदेव यही करने गए, व्यासदेव जाके मनन करने गए कि जो नारद मुनि ने मुझे बताया डिफेक्ट्स वो
वो क्या दोष बताए और उन दोषों को कैसे हटाऊं और कैसे भागवत की रचना करूं कि ये दोष दोबारा से उस भागवत में ना हो और वो भागवत अमल शास्त्र बन जाए। ये सब ध्यान, ये ध्यान लगा रहे हैं व्यासदेव बैठ के। और कैसे ध्यान लगाया, ध्यान लगाने का तरीका क्या? ध्यान लगाने का तरीका बुद्धि नहीं है, बुद्धि से नहीं होगा ये काम। अब लॉजिक लड़ा के सोचने पर चलोगे ना कि मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करूंगा, तो सिर्फ बुद्धि, बुद्धि आपकी हेल्प। बुद्धि को शास्त्रों में वैश्य बोला जाता है बाय द वे। हमें जितना विश्वास है ना बुद्धि पे, उतनी खतरनाक होती है। सो जनरली लोगों को विश्वास, लोग वैश्या के पास जाते हैं तो उनको लगता है कि वो मुझसे प्रेम करती है, मगर वो आपसे प्रेम नहीं कर रही होती, वो पैसे से प्रेम करती है, नहीं ऐसा लगता है कि वो आपसे प्रेम कर रही है। सो ऐसे ही हर व्यक्ति को ये लगता है कि बुद्धि मुझसे मेरी हेल्प करती है, मगर बुद्धि कभी कभी कबाड़ा भी कर देती है। केवल अपनी बुद्धि, वो बुद्धि जिसके पास भक्ति का बल नहीं है, वो बुद्धि कबाड़ा करती है। सो हम रामायण तो पढ़ ही रहे, रावण के पास भी बुद्धि थी, मगर बिना भक्ति का जो बुद्धि है वो वैश्य है, वो फिर आपको खराब ही करेगी, धोखा ही देगी एक दिन, जैसे वैश्य धोखा देती है, पैसे लेके चली जाएगी बस, ठीक है प्रेम प्रेम गया सब, प्रेम तो दिखावा था। सो इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रनिहिते अमले, बहुत फेमस वर्ड्स है, बहुत ही फेमस। भक्ति योग के द्वारा अपने मन को स्थित किया, बुद्धि के द्वारा नहीं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। बल्कि प्रभुपाद गीता में बुद्धि योग को भी भक्ति योग ही लिख रहे हैं, अगर आप पढ़ोगे तो। सो क्योंकि बुद्धि जो है वो आपको तर्क भी दे सकती है, कुतर्क भी दे सकती है, प्रॉब्लम यहां पर रही है ना। इसलिए कहा जाता है प्रेमा भक्ति जहां हुए थे अविद्या विनाश आ जाए थे। सो भक्ति से आंसर आते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े स्कॉलर थे, 200 से ज्यादा किताब लिखी थी उन्होंने, और जब भी उनको प्रॉब्लम होती थी वो गौर किशोरदास बाबा जी से पूछते थे क्वेश्चंस। और जगन्नाथ बाबा जी तो वो भी स्कॉलर थे, मगर कभी कभी कुछ कहीं अटक जाते थे तो गौर किशोरदास बाबा जी से पूछते थे, और गौर किशोरदास बाबा जी अनपढ़ अंगूठा छाप, मगर भक्ति थी। सो भक्ति से ज्ञान अपने आप समझ आ जाते हैं, अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी आपको। सो इसलिए उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को लगाया, भक्ति योग से अपनी बुद्धि को स्ट्रांग किया, और उस बुद्धि से जिसमें भक्ति है उससे फिर अपने मन को अपने वश में कर लिया। सम्यक प्रनिहिते अमले, और पूरी तरह प्रनिहिते अमले, पूरी तरह अपने मन को स्थिर करके निर्मल कर लिया, भगवान में स्थिर कर दिया। भगवान में स्थिर कर दिया मतलब एक्चुअली व्यासदेव ने अपने मन को भगवान के मिशन पे स्थिर कर दिया। तो नारद मुनि ने बोला है कि भाई भागवत की रचना करनी है, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं पूरी तरह फोकस कर दिया माइंड की भागवत की रचना मैं कैसे करूं, क्या करना है कौन से चैप्टर्स पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, और कैसे उसको एक्सपैंड करना है, व्यासदेव सोच रहे हैं। जैसे प्रभुपाद सोच रहे थे, प्रभुपाद ने 30 साल भागवत पे टीकाएं लिखी, फर्स्ट सेकंड कैंटो पे, एटलीस्ट आखिरी 12 ईयर्स संन्यास लेने के बाद जो है। और प्रभुपाद प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे जापान जाऊंगा और कैसे मैं इंग्लैंड जाऊंगा, मतलब क्योंकि उनके गुरु का आदेश था बाहर जाओ, प्रिंटिंग करा रहे हैं किताबों की, मैगजीन्स लिख रहे हैं, प्रभुपाद इस पर मेडिटेट कर रहे हैं। और वृंदावन में जितने लोग हैं वो ये ध्यान लगा रहे हैं कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, और कृष्ण की मुरली कितनी अच्छी है, और कृष्ण के पीकॉक्स कितने अच्छे हैं। अच्छा है, बहुत इस पे भी मनन करना बहुत ही अच्छा, हम करते भी हैं, मगर प्रभुपाद कुछ और ही करने। इनफैक्ट वृंदावन के लोग प्रभुपाद को बोलते थे कि आपका दिमाग आउट तो नहीं हो गया, प्रभुपाद को बोलते थे कि लोग वृंदावन, बुढ़ापे में लोग वृंदावन आते हैं, बुढ़ापे में वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, और बुढ़ापे में लोग बैठ के माला करते हैं और गोविंद लीला अमृत और ऐसे ऐसी किताबें पढ़ते हैं, नहीं मतलब मानसी सेवा करते हैं जो भी है वृंदावन में जो लोग कहते हैं, मगर आप अब बैठ के पूरे पूरे दिन कमेंट्री लिख रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं, और ये और तो प्रभुपाद ने सोचा कि जापान में एग्जीबिशन हो रहा है, तो प्रभुपाद ने सोचा मैं जापान जाऊंगा,
तो प्रभुपाद ने एक जैपनीज को हायर किया, कार्टूनिस्ट जैपनीज, और उससे फिर कार्टून्स बनवाई खुद बैठ के, और किताबें लिखी कि जापान में जाके मैं इसको एग्जीबिशन में दिखाऊंगा। यू सी, डिफरेंस है। सो प्रभुपाद में और दूसरों में क्या डिफरेंस हो गया? प्रभुपाद में उनमें ये डिफरेंस हो गया कि प्रभुपाद पूरी तरह भगवान के मिशन पे फोकस्ड है कि भगवान चाहते क्या है। सो इसलिए कल हम बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि भाई देखो, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, हमें दोनों से ही मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है उनसे, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो उनकी सेवा से मतलब है। उनके कोई भी अवतार हो, किसी भी अवतार में हम जाके क्या करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं। भाई कल की अवतार होगा तो हमारे को तैयार है, ये थोड़ना है कि कल की अवतार तो मैं अच्छा नहीं लगता, हमें तो श्याम सुंदर ही अच्छे लगते हैं, देन यू आर कंफ्यूज्ड। ऐसा नहीं होता, कोई भी अवतार है हम आने को तैयार है, क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं उस अवतार में। नहीं, हनुमान जी तो हनुमान जी राम अवतार में आए, और फिर उसके बाद हनुमान जी का दोबारा से वो क्या कहते हैं, दोबारा से वो प्रकट हुए भीम के रूप में कृष्ण अवतार में सेवा करने के लिए, दूसरा अवतार, और फिर तीसरा अवतार मध्वाचार्य। सो मध्वाचार्य ने खुद ने बताया मेरे तीन अवतारों में, वहां श्लोक भी लिखा हुआ है, प्रथमो हनुमंत, द्वितीय भीमसेन, तृतीय आनंद तीर्थ। उडुपी में बड़ा बड़ा लिखा है उनकी, जहाँ पे तो मध्वाचार्य, जहाँ पे तो मध्वाचार्य जहाँ पे बैठ के लेक्चर कर रहे थे अंत पे, तो मध्वाचार्य का बहुत प्रिय उपनिषद, प्रिय उपनिषद कौन सा उपनिषद है, नहीं, बृहदारण्यक के उपनिषद, उस पर कमेंट्री करते थे वो, ही इज लाइक दैट। वैसे तो बहुत ऐसे इस्कॉन में जो उपनिषद इसकी ट्रांसलेशन है वो कौन सा उपनिषद है, इस उपनिषद जो गौड़िया वैष्णवों ने की है, वो बृहदारण्यक उपनिषद पे करते थे, जहां पे वो कमेंट्री कर रहे थे अपने एंड लास्ट लास्ट डेज पे, कमेंट्री करते 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 आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, सारे देवी देवता आ गए ऊपर, और स्वर्ग के फूलों की वर्षा हुई, और पूरा फूलों से ढक गए, और जब फूल उठाए तो गायब हो गए थे वो। और उनकी आवाज आई कि चिंता मत करो अपने शिष्यों के लिए, कि मैं हमेशा से यहां पर हूं अप्रत्यक्ष रूप में, मगर अभी मैं अपने गुरु व्यासदेव के पास बद्रिकाश्रम में जाके वहां उनके पास रह रहा हूं, जस्ट वेंट देयर। और फिर ये श्लोक उन्होंने लिखा वहां कि प्रथमो हनुमंता, द्वितीय भीमसेन, तृतीय आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ मधुबा का नाम है एक। सो हमें पता है, तो हनुमान जी ने थोड़ी ना कहा है कृष्ण अवतार है, नहीं, हमें तो राम ही अच्छे लगते हैं, ही डिडंट से लाइक दैट। नहीं, वैसे वैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी है, नहीं कि राम ही हमारे पास है, हम कृष्ण कृष्ण को नहीं देखना चाहते, ऐसा ऐसा है नहीं, कहते नहीं, कहते हैं, पता नहीं मीराबाई गई थी एक बार, था नहीं था कि क्या था, वो कृष्ण के पास गई थी, नहीं, राम के मंदिर गई थी, और उन्होंने कहा हम तो कृष्ण को देखना आते हैं, तो राम भगवान ने मुरली पकड़ ली थी। सो दैट्स ऑल्सो, वो भी है, वो भी भावनाएं हैं, गलत नहीं है, मगर मेन भावना भक्त की है, भगवान किसी भी रूप में आए हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। एक मिनट, सो हम लोग अगर तो अगर मान लीजिए कल की अवतार आ जाए, तो आप भगवान का जन्म लेना चाहते हो, नहीं चाहते उस अवतार में? कितने लोग लेना चाहते हैं? लड़ाई करनी पड़ेगी, ये बात है। हाथ नीचे कर लो, उस टाइम तलवार चलानी पड़ेगी, और मारना भी पड़ेगा लोगों को, उस टाइम फिर दया छोड़नी पड़ेगी आपको, दया वया नहीं होती वहां, फिर तो जितने गले काटोगे उतना भगवान का आशीर्वाद मिलेगा कल की अवतार में, वहां पे ऐसे ही है। सो ठीक है, हम उसमें भी आना चाहते हैं। सो हमारा मतलब सेवा से है, ये गौड़िया वैष्णव परंपरा की मतलब यूनिकनेस कह लो या प्रोसाइजनेस कह लो, जो भी है, हमारा मतलब सेवा से है। अगर मान लीजिए भगवान, मान लीजिए कल की अवतार के बाद भगवान का मैं कोई और अवतार लेने वाला हूं, क्या तुम रेडी हो आने को? तैयार हैं हम लोग, तैयार हैं। नहीं, सो इसलिए व्यासदेव सेवा पे सोच रहे हैं कि कैसे सेवा हो पाए, बस
क्या करें। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे फिर भगवान चूज करेंगे कि हमसे संबंध क्या बनाना है। हम चूज नहीं कर सकते, हम चूजर नहीं है। चूजर समझते हो ना, चयन, चुनने वाले। हम चुनने वाले नहीं, हम क्या संबंध बनाएंगे भगवान से। भगवान चुनेंगे कि ठीक है आज से तुम मेरे दोस्त हो या आज से तुम मेरे सेवक हो, वो डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करने वाले थोड़े ना है, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। भक्ति से अंदर सोरसी ठाकुर यही कह रहे थे वृंदावन में, जब लेक्चर दे रहे थे वृंदावन में, क्या पद्धति है कि वो खुद ही चूज कर लेते हैं कि भी कृष्णा मेरे मेरे प्रिय है, क्योंकि हम गोपियों के अनुयायी हैं इसलिए हमारे प्रिय हैं या हमारे स्वामी हैं, जो भी व्हाट एवर इट इज। भक्ति से अंदर का एब्सर्ड है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही यहां से होती है कि मैं चूजर नहीं हूं, मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूं, कृष्ण डिसाइड करने वाले हैं। सो हमारे अभी हमारी स्टेज में तो हम भगवान की सेवा करते रहे जितना हो सके, जहां भी मिले सेवा करो बस, किसी भी अवतार में किसी भी भक्ति बस कर लो बस। और जब भगवान खुश हो जाएंगे तभी जब भगवान आके खुद ही संबंध बनाएंगे हमसे। अभी तो हमारा एक जनरल संबंध है, अभी हमारा संबंध है हम सेवा के, हम वो स्वामी है, उसके बाद बात की बातें देखी जाएंगी। इनफैक्ट सूरदास जी ने अपने भजन में लिखा है, मैं पढ़ रहा था कि एग्जैक्ट दोहा भूल गया, बट सूरदास जी लिख रहे हैं कि हे कृष्णा मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूं और वो संबंध आपसे मेरा है सेवक का। और आप सूरदास लिख रहे हैं कि मैं कि आप संबंध बनाते हैं जीवात्माओं से, जीवात्मा संबंध नहीं बनाती आपसे, शुरुआत आपसे होती है, शुरुआत हमसे नहीं होती। हम तो सूरदास लिख रहे हैं भगवान तो भगवान ने पूछा, सूरदास जी अपने पद में ऐसे लिख रहे हैं कि भगवान ने पूछा जैसे कि सूरदास तुम बताओ तुम्हारी क्या अच्छा है, क्या सेवा करना आते हो। तो सूरदास ने कहा कि भगवान जो भी डिपार्टमेंट खाली है आप मुझे वहां डाल दीजिए, जिस भी डिपार्टमेंट में सेवा की कमी है मुझे वहां डाल दीजिए, मैं वो सेवा पूरी कर दूंगा। दैट्स भक्ति, उसको भक्ति कहते हैं। सो अपश्यत पुरुषम पूर्णम, जब व्यासदेव इस तरह सोच रहे हैं कि भगवान की सेवा पूरी कैसे होगी, भागवत की रचना कैसे होगी, नारद मुनि के उपदेशों पर सोच रहे हैं, अपश्यत पूर्णम पुरुषम, तब उनको भगवान के दर्शन हुए। पूर्ण पुरुष केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ है, राम के लिए भी नहीं हुआ। राम के लिए भी केवल मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, नहीं वैसे तो राम को पुरुषों में उत्तम, मैं कृष्ण कहते हैं पूर्ण पुरुष। सो एक और श्लोक है भागवतम में, वो क्या है वो श्लोक, पूर्ण ब्रह्म सनातन अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रज को साम, उसके बाद क्या है यन मित्रम परमानंदे पूर्ण ब्रह्म सनातनम, बहुत फेमस श्लोक है। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और कोई पूर्ण ब्रह्म नहीं है। सो उनको भगवान दिखाई दिए, क्यों दिखाई दिए भगवान, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं शायद इस पॉपर्ट में कहा, प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान के दर्शन सेवा में होते हैं, भगवान के दर्शन मंदिर में नहीं होंगे आपको केवल, अगर मंदिर में सेवा करोगे तो हो जाएंगे, और नहीं आपको अंदर होंगे आंख बंद करके बैठ जाओगे योगियों की तरह, नहीं सेवा में दर्शन होता है। इनफैक्ट जो बलदेव विद्याभूषण है उनकी कथा से यही हमें सीखने को मिलता है, मतलब जयपुर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि जो पंडित थे जो रामानंदी थे वो बोलने लगे थे कि भाई कि रूपा गोस्वामी की जो ड्यूटी थी राधा गोविंद जी वृंदावन से जयपुर चली गई थी, तो रामानंदी बोलने लगे कि भाई राधा रानी को कृष्ण से अलग करो, क्योंकि राधा का तो कोई संबंध ही नहीं है, रुक्मणी कृष्ण होने चाहिए, तो वो समझ आता है और राधा का क्या संबंध, और राधा कौन से शास्त्र में बोली गई है, तो ये बहुत प्रॉब्लम वहां पे खड़ी हो गई। तो उस राजा ने विश्वा चक्रवर्ती ठाकुर को लेटर लिखा, उस टाइम विश्वा चक्रवर्ती ठाकुर थे जो मेन लीडर थे गौड़िया वैष्णव समाज के, तो विश्वा चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं मुझसे चला नहीं जा रहा, ये बहाना ही था, उन्होंने अपने शिष्य को भेजा बलदेव विद्याभूषण को कि तुम जाओ ये सॉल्व करो। अब बलदेव विद्याभूषण जयपुर आए तो लोगों ने राधा रानी को अलग करके ताला लगा दिया था मंदिर में,
वहां पे डिबेट हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप हमें दिखाओ कि शास्त्रों में क्या लिखा है। बलदेव जोशी ने कहा कौन से शास्त्र में राधा का नाम, ये बताओ। तो गर्ग संहिता में है और बृहन्नारदि पुराण में है, मतलब हर शास्त्र पद्म पुराण सब में तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो जो वॉट एवर इट इज, मगर आपकी परंपरा में वेदांत सूत्र पे कमेंट्री नहीं है, अब वो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा हमारे पास भागवतम है। महाप्रभु ने कहा कि भागवतम वेदांत सूत्र की स्वाभाविक व्याख्या है, जरूरत क्या। उन्होंने कहा नहीं। तो बलदेव विदुषण ने तो जयपुर के पास एक जगह गालता, वो गालता चले गए और वहां पे वो मतलब गुफाएं हैं वहां, वहां पे उन्होंने बैठ के ध्यान लगाया और गोविंद जी प्रकट हुए। तो ध्यान किस पे लगा रहे थे बलदेव? ध्यान लगा रहे थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो, नहीं यू सी दैट। वो ध्यान इस पे नहीं लगा रहे कि भगवान सुंदर हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, दैट्स ओके। वो जब तक वैसा ध्यान लगा रहे थे तब तक गोविंद जी के दर्शन नहीं हुए, मगर यहां पर जब उन्होंने ध्यान लगाया कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, भगवान का काम कंप्लीट कैसे होगा, गोविंद जी प्रकट हो गए। और गोविंद जी ने कहा कि भी ठीक है बलदेव, तुम लिखो मैं लिखवाऊंगा, तुम हाथ चलाओ लिखवाऊंगा मैं। और 7 दिन में वेदांत सूत्र की व्याख्या लिख दी, मतलब वेदांत सूत्र के एक सूत्र को भी आप नहीं समझ सकते, चाहे पूरी जीवन पढ़ लो आप, एक सूत्र पे भी नहीं लिख पाओगे आप, बहुत मुश्किल है। 7 दिन में उन्होंने कमेंट्री लिखी गोविंद जी की कृपा से, जाके दिखा दी देखो, तो लोग चकित हो गए। 7 दिन में तो लोगों को पता लग गया गोविंद जी की कृपा है। और बलदेव विद्याभूषण गए मंदिर के पास तो ताला अपने आप खुल गया, टूट के गिर गया, तो लोगों को पता लग गया हाँ बिल्कुल ठीक है, राधा रानी फिर से आ गई। सो ऐसा कहा जाता है कि बलदेव विद्याभूषण को भगवान की सेवा में भगवान के दर्शन हो गए, सेवा कंप्लीट करने गए थे ना। ऐसे हम कल पढ़ रहे थे वाल्मीकि रामायण में, हनुमान जी को राम ने ऐसे आलिंगन कभी किया ही नहीं, ऐसा वर्णन तो है नहीं, किया भी होगा तो उस तरह नहीं किया, मगर जब सीता की न्यूज लेके आए तब आलिंगन किया, तब हुआ। सो प्रभुपाद और भक्ति शांता और जितने भी हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं उनकी केवल यही शिक्षा थी कि भगवान के प्लान, भगवान के मिशन पे फोकस करो, भगवान चाहते क्या है, बस अपने आप उनके दर्शन हो जाएंगे, अपने आप उनके रूप गुण लीला अपने आप प्रकट हो जाएंगे मन में। वही प्रेम है, वही प्रेम है। अपश्यत पूर्णम पुरुषम, एक मिनट, मायाम चतद अपाश्रयम। सो इनफैक्ट प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल से बोला, प्रभुपाद ने लेटर्स में लिखा है अपने, अब लेटर्स हम दे सकते हैं इनको, लेटर्स प्रभुपाद ने अपने लेटर्स में लिखा है कि मैं अपने शिष्य को कि अपनी इंटेलिजेंस यूज करो, कि किस तरह मेरी किताबें पूरे विश्व में फैल सकती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रभुपाद अपने अपने डिसाइपल्स को प्रेरित कर रहे थे कि मीटिंग्स करो, प्लानिंग करो कि किस तरह हम टेम्पल्स खोले हर जगह, किस तरह ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किस तरह भगवान का प्रचार हो सकता है। वो सारे डिवोटीज प्लान कर रहे थे, काम कर रहे थे, इस पर मेहनत कर रहे थे, और जब ऐसा कर रहे थे तब इस्कॉन बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया उस टाइम, अमेरिका में, बाहर की कंट्रीज में, और कितने डिवोटीज बन गए। और जब अभी अभी करना छोड़ दिया हम लोगों ने, ऐसा उत्साह कम हो गया, मतलब यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, तो इसलिए अमेरिका में इस्कॉन डेड हो गया अभी, मतलब मंदिर खाली पड़े, कोई भी नहीं है टेम्पल में, भक्ति नहीं है। यूरोप में भी बहुत कम हो गया है, इंडिया में थोड़ा अच्छा हो रहा है, मगर उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह प्रभुपाद चाहते थे। लोग तो जुड़ रहे हैं मगर जुड़ के भी हमारे गौड़िया वैष्णव जो अंडरस्टैंडिंग है उसको नहीं समझ पा रहे, सनातन धर्म जैसा बन गया है हम लोग, मोस्टली हम लोग इस्कॉन ऐसे ही बन गया है। क्योंकि आप इंडिया में देख लो, इंडिया में लोग इस्कॉन में आते हैं और प्रभुपाद के बारे में ज्यादा नहीं जानते है, नहीं तो कितने लोगों ने पढ़ा है प्रभुपाद लीलामृत यहाँ पे, कितने लोगों ने पढ़ा है मैंने तो पढ़ा है, और कम ही लोगों ने पढ़ा है। नहीं, अब अमेरिका में जाके पूछो प्रभुपाद लीलामृत किसने पढ़ी है, दोनों हाथ खड़े हो जाएंगे। कृष्णा बुक किसने पढ़ी है, शायद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि उनको, उनके लिए प्रभुपाद मेन है, प्रभुपाद ने बचा लिया ना उनको, और वो बहुत बड़ी बात है। आचार्य निष्ठा ही सही निष्ठा होती है। आप किसी भी संप्रदाय में जाओ, श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, सारी संप्रदाय कहती है आचार्य निष्ठा कृष्ण निष्ठा से ऊपर है,
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जिसके आचार्य में निष्ठा नहीं है, कृष्ण में निष्ठा हो या नहीं हो या कम हो सकता है उतनी निष्ठा नहीं हो कृष्ण में जितनी आचार्य में निष्ठा हो, फिर भी आप भगवान के पास चले जाओगे। मगर आचार्य में निष्ठा कम है और कृष्ण में ज्यादा है तो नहीं जाओगे, आप तो नहीं आ सकते। तभी तो वो श्लोक है जो कृष्णा कह रहे हैं, न मैं भक्ता जना पार था, कि हे अर्जुन जो मुझे अपना अपने आप को मेरा भक्त कहता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वही सही भक्त है। सो बाहर के देशों में है, उनके पास निष्ठा है और वो लोग एक्चुअली उनकी सबसे बड़ी योग्यता, बाहर के लोगों की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि उनके पास कोई योग्यता नहीं है, सबसे बड़ी योग्यता यह है। तो उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, अभी प्रभुपाद है हम इनकी शरण ले रहे हैं बस, अब देखा जाएगा। मगर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं हमें तो ये भी आता है वो भी आता है, तो उस चक्कर में वो बुरा नहीं है मगर कभी कभी वो ब्लॉक भी हो जाती है चीजें उससे। सो दैट्स एडवांटेज। तभी तो राम भगवान की लीला में कौन कौन ज्यादा सौभाग्यवान था, बंदर या ऋषि मुनि? ऋषि मुनि तो रह गए क्योंकि उनमें योग्यताएं बहुत थी, बंदरों में ठंगा बता दी। सो भगवान को दीन इन भक्त बहुत पसंद है, भगवान को वो भक्त पसंद है जिनमें निष्ठा होती है। सो दैट्स अपश्यत पूर्णम पुरुषम, भगवान के दर्शन सेवा में ही होंगे। अगर आपने भगवान के लिए कुछ करके दिखाया तो भगवान आएंगे मिलने, वरना नहीं होगा। और भगवान के लिए कुछ करने के लिए आपको थोड़ा सा, मैंने क्या बताया, श्रवण के बाद क्या करना पड़ेगा, मनन, आपको घर जाकर रोज बैठ के सोचना पड़ेगा मैं भगवान के लिए क्या करूं। जैसे यहाँ पे डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस, या सेवा में भी लगे हैं पंडाल में। सो कुछ कर रहे हैं, नहीं भगवान के लिए प्लान कर रहे हैं कैसे करना है क्या करना है, रोज प्लानिंग हो रही है, दैट्स वेरी नाइस, कृष्णा लाइक्स वेरी मच। प्रभुपाद ने बोला अपने लेटर में कि भगवान को वो भक्त पसंद होते हैं जो रोड पे होते हैं, स्ट्रीट्स में होते हैं। स्ट्रीट समझ रहे हो ना, जो सड़कों पे है। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि भी अगर कोई भक्त सड़कों पे जाके बुक वितरण कर रहा है या हरि नाम कर रहा है तो भगवान भी सोचते हैं कि सड़कों पे मेरे लिए घूम रहा है, नहीं उसी के भगवान के लिए तो घूम रहे हम वरना कौन घूमता है सड़कों पे, कोई घूम सकता है? भक्ति से पहले तो हम कभी जाते ही नहीं, कौन जाता बाहर। तो भगवान बहुत खुश होंगे वो जब ऊपर से देखेंगे, यस दिस इज डिवोटी, इसने अपने मान प्रतिष्ठा को छोड़ के ये है वहां और मेरे लिए धूप गर्मी लोगों के पास जा रहा है, लोगों को मेरी बुक्स दे रहा है। तो ये महाप्रभु के का गिफ्ट है इस कलयुग में और हमें इसको यूज कर लेना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा अपने लेटर्स में, यूज महाप्रभु गिफ्ट को यूज करो। महाप्रभु का गिफ्ट है कि अगर तुम मेरा प्रचार करोगे, जा रहे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, अमार आगे गुरु हुए तारो ये देश, तबू ना बांधी बे तो ये विषय तरंग। दूसरे श्लोक में महाप्रभु का आशीर्वाद है, अगर तुम ऐसा करोगे तो विषय तरंग तुम्हें कभी भी बांधेगी, माया कभी भी नहीं पकड़ सकती। तभी यहां पे लिखा है अपश्यत पूर्णम पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम। व्यासदेव ने उसी सेवा में भगवान को देखा और भगवान के पीछे माया को देखा। अपाश्रयम पीछे मतलब कि भगवान के कंट्रोल में माया को देख लिया। सो माया प्रभाव करना बंद कर देगी आप पे अगर भगवान का काम हो रहा होगा, नहीं क्योंकि क्योंकि अगर आप भगवान का काम कर रहे होगे तो माया भगवान के काम में थोड़े ना अड़चन डालेगी। ये भगवान का काम कर रहा है तो अगर मैं इसको पकड़ूंगी तो भगवान का काम रुकेगा, अब भगवान का काम नहीं रोक सकती वो, माया में इतनी हिम्मत नहीं है। सो इसलिए आपको तंग नहीं करेगी, ठीक है चलो कर लो अगर सिंसियर हो तो। अब गड़बड़ करोगे तो फिर बहुत बुरी तरह गिरोगे, ऐसा भी है क्योंकि भगवान का काम हो रहा है। भगवान के काम में अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत कपट किया, गड़बड़ की, धोखा दिया तो फिर बहुत बुरी तरह बैकफायर हो जाएगा। बैकफायर समझते हो, उल्टा हो जाएगा। सो ये श्लोक यया सम्मोहितो जीव आत्मानाम त्रिगुणात्मकम् परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाविपद्यते। सो जब व्यासदेव ने भगवान के दर्शन कर लिए उसी सेवा में और ये भी दर्शन कर लिए कि माया भगवान के पूरे कंट्रोल में, यया सम्मोहितो जीवो, उन्होंने ये भी देखा कि जो भगवान की सेवा में नहीं है
वो माया से पूरी तरह प्रभावित है, वो प्रभावित है। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर कई साल तक भगवान का नाम लेते रहे और प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान मुझे बताइए कि आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। कई सालों बाद भगवान ने रिवील किया कि तुम मेरे लिए एक अद्भुत मंदिर बनाओ, उनको पता लगा, और मेरे लिए किताबें लिखो। दैट्स भगवान बताते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी डिवोटी प्रे करता है क्या करता है, ओ माय लॉर्ड प्लीज रिवील योर विल टू मी, योर विल कैसे कहेंगे, हम हमारी प्रार्थना है कि भगवान अपनी इच्छा हमें बताइए। बस सो हम लोग तो भगवान के रूप को देखते हैं, हम सीधा भगवान के हृदय को देखते हैं, झांक के अंदर वो प्रेम है। जिसमें प्रेम नहीं होता वो तो रूप गुण लीला सिर्फ उसी के दर्शन करता है नहीं। भीड़ लग जाएगी भाई, राजा आएंगे, लोग कहेंगे राजा कितने सुंदर है, कितने हैंडसम है, ठीक है एक लेवल तक नाइस, मगर वो फ्लैटरी भी हो सकती है। फ्लैटरी समझते हो, वो चापलूसी भी हो सकती है अपने स्वार्थ के लिए। मगर हृदय देखने वाले तो कम ही होते हैं। राजा के मंत्री, राजा के जो सैनिक है वो देख रहे होंगे कि राजा के हृदय में क्या, वो चाहते क्या है, वो पूरा करना है, वो कम ही होते हैं। और वो भक्त जानता है, भक्त सीधा भगवान के मन को देखता है, मन को, जिसने वो देख लिया उसने सब कुछ देख लिया, वो समझ गया। बिना भगवान के बोले भी सेवक सेवा कर देता है, ये उत्तम भक्त है। हम कल बात कर रहे थे, उत्तम सेवक वो है कि उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो मन ही समझ लेगा क्या चाहते हैं भगवान और कर देगा, वो दैट्स अ बेस्ट सर्वेंट। तो व्यासदेव ने देखा कि जो भगवान के हृदय को नहीं समझ रहे वो सब उस माया में पड़े हुए। आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनोत्यनर्थं तत्कृतं च विपद्यते, और इस प्रकार वो अनर्थों में फंस गए माया के कारण, उन चीजों में फंस गए जो कि अनर्थ मतलब जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इस संसार में किस चीज पे वैल्यू नहीं है, वैल्यू समझते हो, वैल्यू वैल्यू कैसे कहेंगे, मूल्यवान। तो इस जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते वो ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका मूल्य नहीं है इस संसार में, कौन सी चीज है? एक्चुअली भागवत कह रही है ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका कोई जो अमूल्य जो जिसका कोई मूल्य नहीं है, सब चीजों का मूल्य है। वो वस्तु जो भगवान से जुड़ी नहीं हुई उसका कोई मूल्य नहीं है, जो भगवान से जुड़ी हुई उसका मूल्य है। ऋते अर्थम यत प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि तद विद्या आत्मनो मायम यथा भासो यततमः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कोई भी वस्तु जो मुझसे जुड़ी नहीं हुई उसका कोई मूल्य नहीं है, और कोई भी वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं है संसार की दृष्टि में, अगर वो मुझसे जुड़ गई तो सबसे मूल्यवान बन गई। सो किस चीज का मूल्य नहीं है, अनर्थ क्या है? अनर्थ हमारी अपनी दृष्टि है, वो दृष्टि जो भगवान से चीजों को अलग कर देती है, वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा अनर्थ। अनर्थ समझ रहे हो, सबसे बड़ा अनर्थ। लोग सोचते हैं काम क्रोध लोभ मोह है, गलत, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह को भी तो भगवान से जोड़ सकते हो। ये तो नरोत्तमदास ठाकुर कह रहे हैं, प्रभुपाद बार बार कोट कर रहे हैं, क्रोध भक्त विद्वेषी जने काम कृष्ण कर्म अर्पण है, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह कृष्ण विस्मरण है। दिया हुआ है कि क्रोध करना है तो भगवान के विद्वेषी जन पे क्रोध करो, काम वासना को भगवान से जोड़ सकते हो, भगवान के लिए काम कर सकते हो हनुमान जी की तरह, और लोभ हो हरि साधु संग हरि कथा के लिए, सब कुछ जुड़ सकता है। सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ी रुकावट इस संसार में चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज भगवान से जुड़ जाएगी। सबसे बड़ी रुकावट क्या है इस संसार में, अभी तो मैंने बताया, हमारी अपनी दृष्टि, हम खुद हैं, हम खुद ही है सबसे बड़े अनर्थ अपने लिए। आत्मा एव आत्मना बंधु आत्मा एव रिपुर आत्मना, कृष्णा कह रहे सबसे बड़े प्रॉब्लम हम खुद ही हैं अपने लिए, हमारा मन बुद्धि नहीं, हम है,
नहीं, मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि को हम ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मन खराब है, जैसे कि आप अच्छे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो हरिश्चंद्र की औलाद है, हमारा मन गंदा है, क्या करें प्रभु जी। नॉनसेंस, तुम ही गंदे हो, तुम्हारे संग से मन गंदा बन गया है, समझे। हमारे संग से मन गंदा बन गया है। आपके तो संग कर रहा है मन, और किसका कर रहा है, और संग करते करते गंदा बन गया है। हम ही नॉनसेंस है, हमारे में गलत गलत इच्छा आ गई है। सो जिसने ये समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। अगर हमारा संकल्प आत्मा मन का मन मन विचार करता है, बुद्धि तर्क देती है, आत्मा संकल्प करती है, आत्मा में संकल्प की शक्ति होती है। वैसे तो मन को भी संकल्प विकल्प बोला जाता है, मगर वो संकल्प विकल्प विचार के स्तर पे चलते हैं, सोचता रहता है। एक मिनट यार, कुछ रोक सकते हो कुछ? एक मिनट, मन जो है, मन मृत वस्तु है, मन कुछ नहीं कर सकता, मन डेड है, सांख्या में ये लिखा है। जीवित केवल आत्मा है, कार्य आत्मा करती है, आत्मा ही करती है। वैसे तो कृष्णा कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, गीता में वैसे तो लिख रहे हैं, प्रकृति क्रियामानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता रहम इति मन्यते। कृष्णा ही नहीं कह रहे आत्मा कुछ नहीं करती, कृष्णा कह रहे हैं आत्मा अपने आप को कर्ता अहम इति मन्यते। माया कर रही है सब कुछ, मगर आत्मा समझती है कि मैं करता हूं। करता मतलब पता क्या होता है, कर्ता और करने वाले में फर्क होता है, उसमें फर्क होता है। सो फर्क यह है कि आत्मा समझने लगती है कि मैं सबकी बॉस हूं। कर्ता मतलब बॉस, क्रिया मतलब काम। कृष्णा ये नहीं कह रहे कि आत्मा कुछ करती नहीं, क्योंकि आत्मा तो जीवित है ना, आत्मा ही तो कर रही है सब कुछ। हम जो हाथ हिला रहे, कौन हिला रहा है? मन हिला रहा है, मैं ही हिला रहा हूं। मतलब प्रॉब्लम ये है कि मैं समझ रहा हूं कि मैं अपनी शक्ति से हिला रहा हूं, कर्ता धरता मैं हूं इसका, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ मेरी शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति इस्तेमाल करके मैं हिला रहा हूं। कर्ता धरता भगवान है, दैट्स द पॉइंट वहां पे कृष्णा कह रहे हैं। एक मिनट। सो मन भी आत्मा के आदेश पे करती है, वरना मन क्यों करेगी? मन क्या करेगा? अगर आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो आप मन को बोलोगे भक्ति कर, मन भक्ति करेगा। अगर आत्मा खराब होगी, आत्मा का संकल्प खराब होगा, इच्छाएं तो आत्मा से आती है ना, इच्छा शक्ति आत्मा में होती है, मन में नहीं होती। वो मन क्योंकि आत्मा के निकट होता है, इसलिए उस इच्छा शक्ति के प्रभाव से मन विचार करता रहता है, ऐसे होता है। इच्छा शक्ति वहां से आ रही होती है। ऐसे लीडर होता है, तो लीडर बैठा होता है आराम से एक चेयर पे, काम सारे वर्कर कर रहे होते हैं, नहीं सो ऐसा लगता है कि वर्कर काम कर रहे हैं, लीडर काम नहीं कर रहा, मगर इच्छा कहां से आ रही है काम करने की? लीडर से आ रही है, वो लीडर ही तो प्लान दे रहा है। सो एक्चुअली काम करने वाला लीडर हो गया। मगर अगर लीडर ये सोचे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बॉस हूं, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, तब वहां प्रॉब्लम है। दैट्स अ प्रॉब्लम, वो कृष्णा श्लोक में कह रहे हैं। दैट्स अ ट्रिकी श्लोक, बट ऐसा ही है। सो हम वो राजकुमार हैं जो अभी खराब हो चुके हैं गलत संगत से, है राजकुमार मगर खराब हो चुके हैं। हम वो साधु हैं जो गलत संगति से खराब हो चुके हैं। सो आत्मा नित्य शुद्ध ऐसा कहा जाता है नहीं, मगर वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, हम शुद्ध तो है, मगर अभी गलत संग से थोड़े टाइम के लिए हम थोड़ा सा दिमाग हमारा खराब हो चुका है। जैसे आप किसी माँ से पूछो कि आपका बच्चा अच्छा है बुरा है, तो क्या कहेगी माँ? पेरेंट्स कहते नहीं है किसी का बच्चा खराब हो जाता है तो पेरेंट्स से कहते हैं, कोई मिलने आता है, वैसे तो बहुत अच्छा लड़का है मगर अभी थोड़ा सा खराब आदतें पड़ गई है, यही है ना आदतें। पेरेंट्स कभी नहीं कहते गंदा हो गया है, चाहे टेररिस्ट बन गया और फिर भी कहेंगे वैसे तो बहुत अच्छा है, पर 2-3 गले काटता है, वैसे बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, बहुत बुद्धिमान है, वो 4-5 खून कर दिए, वो कोई नहीं, वो गलत संग से हो गया है, वो कभी सोच ही नहीं सकते उल्टा। ऐसी आत्मा बहुत अच्छी है, आत्मा है अपने में अच्छी,
अभी गलत प्रभाव से गंदी आदतें पड़ गई हैं और कुछ नहीं है, वह इतना ही है। इसलिए आत्मा हमेशा से अच्छी है, पिता की नजर में हमेशा अच्छी है और है भी अच्छी। गलत संग से ऐसा हो गया, हम लोग ऐसा हो चुके हैं। सो एनी वे द पॉइंट इज कि नारद व्यासदेव ने देख के सब कुछ समझ गए और वो ये समझ गए कि लोग अनर्थ में फंसे पड़े। सबसे बड़ा अनर्थ है उसकी अपनी बेवकूफी, उसकी अपनी इच्छा भोगने की, वही प्रॉब्लम है हमारे में। बस हम खुद ही अपने लिए रुकावट बने। और तत्कृतम चाभी पद्यते, तो व्यासदेव ने सब कुछ देखा और ये भी देखा कि वो अनर्थ कम कैसे होंगे। भक्त अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, उस सेवा से वो अनर्थ सारे नष्ट हो जाएंगे। लोकस्य अजानंतो विद्वांस चक्रे सातवत संहिता, और ये सातवत संहिता, ये भागवत पढ़ने से, जो अभी व्यासदेव रचना करने वाले हैं वो पढ़ने से व्यक्ति की जो इच्छा है वो ही बदल जाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व, बस फिनिश हो गई। दैट्स व्हाट्स व्यासदेव सॉल्यूशन। और व्यासदेव इस कंक्लूजन पे आ गए, यस अब मुझे भागवत की रचना करनी चाहिए। इसी ध्यान लगाने से, मनन करने से कन्विक्शन आ गई। सो मनन करने से सिर्फ प्लान नहीं आता, कन्विक्शन भी आती है। कन्विक्शन समझते हो ना आप, कैसे कहेंगे? नहीं नहीं निष्ठा, निष्ठा कह सकते हैं, निष्ठा आती है। अगर आप सुनते रहोगे मनन नहीं करोगे निष्ठा नहीं आएगी, कन्विंस नहीं होगे आप कि मुझे करना है। सो कन्विक्शन नहीं आएगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो रुक जाओगे आप बीच में। कन्विक्शन होगी तो करना ही है। सो दैट्स नाउ इज कन्विंस्ड भागवत की रचना करनी है। अब व्यासदेव आगे जाकर भागवत की रचना करेंगे। हरे कृष्णा, कुछ पूछना, कुछ कहना है? यू कैन आस्क मी महर्षि। यस प्रभु, हाँ मनी है मोक्ष और बंधन का कारण, वो बात सही है। मगर पता है क्या है, मगर क्या है कि मन बंधन मोक्ष का कारण क्यों बना है? क्यों बंधन का कारण बना, क्यों मोक्ष का कारण बना? अब पॉइंट ये, ठीक है हमने माना है मगर क्यों है? सो वो मन बंधन का कारण है जो आत्मा के अधीन नहीं है, है नहीं? वो मन मोक्ष कारण है जो आत्मा के अधीन है, यही है ना? ये तो क्लियर है। जो हमारे कंट्रोल में है वो बंधन मोक्ष कारण है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो बंधन कारण है। सो वो तो मन हमारे अधीन, हमारे कंट्रोल में कैसे आएगा? जब हम अपनी आत्मा को बलवान कर लेंगे तो मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और वो मोक्ष कारण बन जाएगा। और आत्मा को कंट्रोल, आत्मा के कंट्रोल में करने का मतलब है कि आत्मा की शक्ति ज्यादा हो गई, आत्मबल। प्रभुपाद लिख रहे हैं पोपट में, आत्मबल आ जाएगा। आत्मबल आने का मतलब है कि आत्मा की इच्छा बदल गई, अब भोग की इच्छा से सेवा की इच्छा आ गई, वो संकल्प ही बदल लिया आत्मा ने। जैसे ही संकल्प बदल लिया, मन तो उसके साथ ही बैठा है, मन समझ जाएगा अभी आत्मा का संकल्प कुछ नहीं कर पाएगा। और आत्मा फिर मन आत्मा के अनुकूल चलने लगेगा। सो अभी बंधन का कारण इसलिए क्योंकि आत्मा के प्रतिकूल चल रहा है, क्योंकि आत्मा के संकल्प गलत है और मन समझ गया। इस संसार में सभी गंदे हैं, मतलब हम ही गंदे हैं, बाकी सब अच्छे हैं। हमारा मन भी अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी, सब अच्छे हैं, हम ही गंदे हैं। प्रॉब्लम हमारे में एक ही प्रॉब्लम है, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। ब्लेमिंग 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 समझते हैं ना सब लोग, ब्लेम कैसे कहेंगे, इल्जाम, आरोप लगाते रहते, यही प्रॉब्लम है। कुछ मंदिर में कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रभु जी उसने प्रॉब्लम कर दी, यही है ना, हम लोग यही है ना। कभी हमारा फॉल डाउन हो जाता है, प्रभु जी माइंड पे कंट्रोल नहीं हुआ, क्या करे, मन पे आरोप लगा दिया। सब अच्छे हैं, भगवान ने सृष्टि, भगवान की सृष्टि है ना, मन भी तो भगवान ने बनाया, सब भगवान, वो सब अच्छा है। मगर हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने आप को गंदा कर लेते। सो आत्मा जब भोग करने लगती कमजोर पड़ जाती है, और मन देखता है भैया ये भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, ये तो गंदा हो गया, अब इसको सताऊंगा मैं, इसको सताऊंगा मैं, और हमें बांध देगा। मन पुलिस की तरह ना, मन एंटी हो जाएगा हमारे, रिवोल्ट कर, हमने भगवान के रिवोल्ट किया, मन रिवोल्ट कर देगा। भगवान कहेंगे ठीक है तुम मेरे 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 अंडर नहीं रहना चाहते ना, अब देखो तुम्हारा क्या होगा, पूरी सृष्टि तुम्हारे अंडर नहीं रहेगी। तुमने मुझसे विद्रोह किया है ना, सब तुमसे विद्रोह करेंगे, लोग विद्रोह करेंगे, तुम्हारा मन खुद विद्रोह करेगा। वो रिएक्शन आ रहा है हमें, सो मन विद्रोह करता है,
बात नहीं मानेगा आपकी, आपको सोचोगे यही तो है ना, आत्मा कुछ करना आती है मन कुछ और सोचता है, यही है ना बस। भाई हम पढ़ना चाहते हैं मन कहते हैं मत पढ़ो, हम खेलना आते हैं मन कहते हैं पढ़ लो, हमारा एंटी चल रहा है बिल्कुल। सो कुछ योगी ज्ञानी तो मन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है शास्त्रों में दिया मन को पकड़ लो, बुद्धिस्ट और ये, मगर भागवत का आदेश है मन छोड़ दो, प्रॉब्लम मन से शुरू नहीं हो रही, प्रॉब्लम तुमसे शुरू हो रही है, अपना संकल्प बदल लो, विद्रोह करना छोड़ दो, बस काम खत्म हो गया। मन ने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि हमने विद्रोह किया भगवान से, हम बंद कर देंगे मन भी कहेगा हाँ यार देखो इन्होंने बंद कर दिया तो मैं भी कर देता हूं, मन भी विद्रोह कर देगा, फिर मन मोक्ष कारण बन जाएगा, मन मदद करने लगेगा हमारी, सो मोक्ष कारण बन गया। नहीं ऐसे उदाहरण दो, ऐसे सिंपल उदाहरण दो, एक मिनट अब तो ऐसे सिंपल उदाहरण दो, जैसे कहते नहीं है बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस देयर इज अ वुमन, एक आदमी के गिरने का कारण भी औरत होती है और ऊपर बढ़ने का कारण भी औरत ही होती है। सो औरत ही बंधन का कारण है, औरत ही मोक्ष का कारण है। अब वो बंधन तो औरत कैसे बंधन का कारण है नहीं, और कैसे मोक्ष का कारण है? अगर आपकी डीलिंग्स प्रॉपर होगी, आप इंटेलिजेंट हो गए तो आप उस औरत को यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। आप मूर्ख हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हैंडल नहीं करना आ रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हमें नहीं हैंडल करना आता मन को, इसलिए मन ऐसी उठपटांग बातें कर रहे हैं। हैंडल करना आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दैट्स वहां पे ये आइडिया है। ठीक है नहीं ठीक है, मतलब दैट्स द आइडिया। क्या हो रहा है आत्मा का, हम कभी भाव नहीं करते हैं न, कोई हम आत्मा से बात करते हैं न आत्मा कुछ हमसे कहती है न आत्मा से हम कुछ करते हैं। अरे हम आत्मा ही तो है, इसके बाद आत्मा से हमारा वास्ता कभी नहीं पड़ता है, जीवन भर नहीं पड़ता है, हम देख रहे हैं। चलो ठीक है, बात करेंगे अभी कंफ्यूजन है। ओके और कुछ पूछना है किसी को? आत्मा बलवान प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं, मन बलवान होता है विचारों से, बुद्धि बलवान होती है तर्क से, आत्मा बलवान होती है हरि नाम से, प्रभुपाद लिख रहे हैं। इसलिए हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग से आत्मा को बल मिलता है, प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं 6th chapter, और फिर हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत के तर्क से बुद्धि बलवान हो जाती है, और फिर हम आचार्यों के आदेशों का पालन करते हैं, उनके विचार अपने मन में विचार लेते हैं तो उससे मन बलवान हो जाता है, और फिर इंद्रियों से सेवा करते हैं इंद्रिय बलवान हो जाती है। जब सब बलवान हो जाते हैं तब फिर हम तीर छोड़ते हैं सीधा भगवान के चरणों में। वो तीर क्या है? वो तीर है आपकी प्रेम, प्रेम प्रेम का तीर। जो बल ही नहीं होगा तो कहां से पहुंचेगा गोलोक तक, पहुंचेगा ही नहीं। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता के पपट में, सो आत्मा बलवान होगी हरि नाम से, इसलिए हरि नाम मेन है, क्योंकि आत्मा ही कमजोर रह गई तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं पहुंच पाएंगे हम। क्या कह रहे हो? शिव का एक आर्मा अवतार है, भगवान शिव का एक आर्मा अवतार हनुमान है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, भगवान शिव को क्या होता है? अच्छा 11वें रुद्र हनुमान है। तो कल भगवान राम जा रहे थे तब कहे थे कि कलयुग तक मेरा साथ दोगे, जानना चाहते कि पृथ्वी पर भी भगवान हनुमान कभी है कि वे राम भगवान गए थे। राम भगवान ने हनुमान को बोला था कि जब तक सृष्टि है तब तक तुम हो, अमर अमर का वरदान दिया है ना, अमर है ना, अभी भी होंगे मगर डाल्टनगंज में नहीं है वो ये नॉनसेंस जगह गंदी जगह यहाँ तो मुश्किल ही लगता है है कहीं है पता नहीं कहाँ है, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। सो आज रात को आएंगे और फिर चले जाएंगे ऐसा है, क्योंकि आप क्वेश्चन यही था क्या था मतलब है अभी भी आगे भी रहेंगे, वो कभी नहीं मर सकते। भक्ति से बुद्धि काम करती है, हाँ भक्ति, भक्ति नहीं होगी तो आप बिना भक्ति के बुद्धि लगाओगे ना गलत तर्क आएंगे। भक्ति का मतलब, सो भक्ति से बुद्धि लगाने का मतलब है कि किसकी भक्ति मतलब सेवा, सेवा भावना से जब बुद्धि लगाएंगे तब सही कंक्लूजन आएंगे।
जैसे उदाहरण के लिए आप मंदिर में बैठे हो, ठीक है, और ये प्रोग्राम आ रहा है, प्रोग्राम आ गया नहीं आ गया, अब कोई डिवोटी कहेगा कि प्रभु जी प्रोग्राम में तो बहुत बिजी है, हमें तो अपनी माला करनी है, करनी है, सो माला करने बैठ गया और सेवा प्रोग्राम में कुछ नहीं कर रहा, सो वैसे तो सही लग रहा है कि भी माला कंप्लीट करनी है मुझे, सेवा क्यों करूं, ठीक लग रहा है बिल्कुल, मगर ये डिसीजन किसने लिया है, ये डिसीजन आपकी उस बुद्धि ने लिया जिसमें भक्ति नहीं है, गंदी बुद्धि ने लिया है, क्योंकि अगर 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 सेवा भावना होगी तब बुद्धि क्या क्या डिसीजन दे देगी कि सेवा करो और फिर क्या चंटिंग छोड़ दो फिर क्या होगा, तब बुद्धि देख तब समझ आ जाएगा हाँ ओके सेवा भी करनी है, जब भी करना है तो सुबह जल्दी उठ के पहले जब खत्म करो, फिनिश कर दो, फिर पूरे दिन आप सेवा में एंगेज रह सकते हो सही से, नहीं वरना जब वक्त छूट जाएगा आपका, तो सेवा भावना से सही डिसीजन आ गया, बिना सेवा भावना के क्या होगा, या तो आप जब करते रहोगे या जब छूट जाएगा सेवा करते रहोगे, दोनों चीजें, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग तो बहुत ही बिजी होते हैं, जैसे तो ऐसे कभी जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन कोई भी भक्त का माला कंप्लीट नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा सेवा होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप अगर तो अगर आप सेवा बुद्धि से सोचोगे, भक्ति में बुद्धि से सोचोगे, तो ठीक है जन्माष्टमी में अगर बहुत सेवा की जरूरत है, जरूरत है, कोई सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो ठीक है अगर उस दिन जब भी छूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन जो जरूरी है वो करना है, फिर अगले दिन आपने अपना जप कंप्लीट कर लिया, ऐसे भी होता है कभी कभी, नहीं क्यों अनुत्तम आपके जब छूट जाते हैं कभी कभी, यानी इस बार नहीं छूटा, गुड दैट्स नाइस, कभी कभी पहले तो कभी कभी छूट भी जाता है अगर बहुत बिजी होते, मेरा भी कभी कभी, जैसे अमेरिका गया था मैं, तो अमेरिका में एक दिन मैंने 8 लेक्चर दिए थे, 8 लेक्चर दिए थे सुबह से शाम तक, सुबह भी हुआ, दोपहर को भी हुआ, फिर बीच में किसी के घर जाके हो गया, फिर शाम को हो गया, फिर रात को हो गया, फिर 8 हो गए, उनसे मेरा जब ही छूट गया, मगर वो करना भी जरूरी था क्योंकि उन्होंने अरेंज किया हुआ है ना, और बार बार थोड़े ना अमेरिका जा रहे हैं, तो सेवा बुद्धि ये थी कि ठीक है चलो वो जरूरी है, तो फिर अगले दिन मैंने कंप्लीट करा, तो सेवा बुद्धि से सही डिसीजन आते हैं, मगर आप बिना सेवा भावना के बुद्धि लगाओगे तो गलत डिसीजन आएंगे, तभी तो प्रभुपाद ने भक्ति में बुद्धि से डिसीजन लिया, प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने सिर्फ बुद्धि से डिसीजन लिया, तो प्रभुपाद के गुरु भाई सोच रहे थे चलो हम तो वृंदावन बैठ के भजन करेंगे, प्रभुपाद ने सेवा बुद्धि से डिसीजन लिया, फॉरगेट वृंदावन में भाड़ में जाए, मुझे गुरु का आदेश पालन करना है, गुरु के आदेशों के बिना वृंदावन नरक ही है और क्या है, वृंदावन क्या करेगा उसमें, एक मैं कंप्लीट कर लूं, सो वृंदावन कुछ नहीं कर सकता है, नहीं क्या करेगा, बिना गुरु के कुछ नहीं दिखाई देता, सो प्रभुपाद ने सेवा बुद्धि से सही कंक्लूजन पे आ गए, अगर उन लोगों ने बिना भक्ति के बुद्धि लगाई गलत कंक्लूजन आ गया, तो बैठे रह गए और कुछ नहीं हो पाया क्योंकि गुरु की सेवा नहीं कर पाए, समझे, तो सेवा भावना होनी चाहिए बुद्धि के साथ, तब सही डिसीजन आएंगे, वरना कुतर्क आएगा, आपको लगेगा मैं भक्ति कर रही हूं मगर एक्चुअली भक्ति नहीं चल रही होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपके लिए कोई महाप्रसाद लेके आया, राधा श्याम सुंदर का केक इतना बड़ा, आपकी बुद्धि क्या कहेगी कि ये तो महाप्रसाद है जल्दी से लेके मुंह में डालो, महाप्रसाद थोड़े ना मना कर सकते हैं, सो आप लेके खा जाओगे और आप सोचोगे हाँ राधा श्याम सुंदर की कितनी कृपा है, पूरा केक चला गया पेट में, अब ये साधारण बुद्धि बिना सेवा भावना के, जिस बुद्धि में सेवा भावना है वो तो वो कैसे सोचेगी, कोई केक लाएगा तो सेवा भावना वाली बुद्धि सोचेगी कि मुझे इस महाप्रसाद की सेवा करनी है, इसको खाना नहीं है, इज अ डिफरेंस, नहीं, मगर सेवा करते करते मैं इसके अगर स्वाद में फंस गया तो सेवा खत्म हो गई, वो सेवा काहे की, अगर आप अपने जिसकी सेवा कर रहे हो उसी को भूल गए, समझे, वो क्या सेवा है वो, तो सो आपने केक खाया और आप सेवा करने के लिए तो खाया, मगर जिसकी सेवा कर रहे हो वही भूल गए, केक में घुस गए, तो सेवा बुद्धि कहेगी नहीं महाप्रसाद मत लो, अगर आप जाते ही अगर केक के शौकीन हो केक में तो फंस सकते हो, तो इसलिए डिवोटी क्या करेगा, डिवोटी थोड़ा सा लेगा उसमें से, उसको मना भी नहीं कर सकते ना महाप्रसाद को, तो ऑनर करेंगे थोड़ा सा, बाकी बांट देंगे, ठीक है प्लीज बांट दीजिए, नाउ दैट्स वो सेवा बुद्धि है, तो फंसोगे नहीं आप,
तो नॉर्मल बुद्धि से तो इंसान फंस जाता है, जब तक तो सेवा भावना नहीं होगी आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं बस, और कुछ नहीं। सेवा के साथ सब छोड़ने नहीं देंगे, सब करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। यार नवदा भक्ति आपकी छूटेगी नहीं क्या? मतलब क्या हो रहा है? प्रभु जी के समाधि में नवदा भक्ति लिखेंगे। नवदा भक्ति, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा और कोई क्वेश्चन है किसी का? अदरवाइज विल स्टॉप है। पूछना है किसी को कुछ? क्या हाँ, जो आपका प्रश्न था वो मैंने कल आंसर किया था। वैसे प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि जहां तक मैं समझाऊं कि इस संसार में इतने सारे गलत काम भी हो रहे हैं, हिटलर भी आ गया, आइसिस जैसे आ गए, तो इनका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि ऐसा लगता है कि सेकंड गॉड है, कि भगवान, मतलब ऐसे भी भगवान है जो खराब काम करा रहे संसार में, यही क्वेश्चन है ना, कि भगवान के होते हुए इतने बड़े बड़े गंदे लोग आ गए चले गए, तो ऐसा कैसे हो गया जिन्होंने हजार लोगों को मार दिया, टेररिज्म हो गया, तो क्या कि कोई दूसरी शक्ति है भगवान के पैरेलल जो कि खराब काम करा रही, यही है ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है क्या? प्रश्न क्या है फिर? हेलो, मेरे को तो ये समझ आया था, वो वहां छूट गया पेपर। कोई क्या प्रश्न है आपको पता होगा फिर? चलो फिर कभी बाद में पूछूंगा, कल लेके आऊंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो क्या क्या कह रहे हो? प्रश्न है कि सेकंड गॉड कौन है? पता नहीं क्या ये तो कह रहे हैं, वो नहीं है। चलो कल लेके आएंगे, दे देंगे फिर पढ़ लेंगे, मेरे को ऐसा समझ आया था। ठीक है, तो फिर हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।